हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। कोकिला बेन धीरू भाई अम्बानी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल से टीचर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा अदर स्टाफ की भी वैकेंसी है। लगभग सभी पोस्ट में, सभी विषयों में वैकेंसी है। पोस्ट की यदि हम बात करें तो प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में लगभग सभी विषय, इसके साथ में वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, HR मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, बहुत सारे जो हैं पोस्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट टीचर्स वैकेंसी के। तो यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। हर बार वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ से जारी होता है। इनके कई जो है स्कूल हैं अलग अलग राज्यों में हैं, आप सभी जानते हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कूल के। फिलहाल जो वैकेंसी है कहाँ से जारी की गई है, कैसे अप्लाई करना है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निशुल्क जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगी, साथ में एकोमोडेशन जो है जो भी आउटस्टेशन कैंडिडेट रहेंगे उनको मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझिएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आए रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, और यहाँ पर आपको जैसे ही होम पेज पर आएंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ नजर आएगा आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको और आपके सामने नोटिफिकेशन होगा, अप्लाई करने का ऑप्शन भी होगा, ठीक है। इसको क्रॉस कर लेंगे अगर, तो आप जो है स्कूल के बारे में जान सकते हैं। स्कूल की जो बिल्डिंग है वो इस तरीके की है, जहां पर भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस स्कूल के बारे में अच्छे से जान लें। और वैसे भी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल काफ़ी अच्छे हैं, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट पे स्केल रहती है उसी के अकॉर्डिंग सैलरी भी जो है टीचर्स की यहाँ रहती है। ये जो है टू अप्लाई फॉर स्टाफ पोजीशन प्लीज़ क्लिक हेयर, सबसे ऊपर ही जो है अप्लाई करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे आप। और उसके बाद आपके सामने जो फॉर्म होगा इसे फिल करना है, कोई फीस नहीं देनी है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो इस पर क्लिक करके उसे फिल कर लेंगे, एड्रेस डिटेल, जहां पर भी फिलहाल पढ़ा रहे थे तो करंट सैलरी डिटेल, प्रोफेशनल रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। जब आपका पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, बस लास्ट में सबमिट आपको कर देना है। जिन पर रेड मार्क हैं तो उनको तो आप बिल्कुल भरेंगे, उनको भरना जो है कंपलसरी है, उनको आप नहीं छोड़ सकते। अब जैसे यहाँ पर अदर लिखा हुआ है तो अदर को आप छोड़ सकते हैं, इफ अदर्स, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। और सब्जेक्ट जो है यहाँ सेकंड नंबर पर है, आपको सभी सब्जेक्ट दिखेंगे, ये सभी सब्जेक्ट हैं आपका, जो भी सब्जेक्ट है PRT में, TGT, PGT में, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सब्जेक्ट ये सभी हैं। तो इनमें आप अपना सब्जेक्ट देखेंगे और चूज़ कर लेंगे, ठीक है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। और लास्ट में जो है लेफ्ट साइड में सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन, अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। सैलरी मैंने आप लोगों को बता ही दी, सबसे नीचे जो बताया गया है कि ये जो है 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन, इनका जो पैकेज काफ़ी अच्छा रहता है। एकोमोडेशन फॉर डिजर्विंग आउट स्टेशन कैंडिडेट, जो भी बाहरी राज्य के कैंडिडेट होंगे तो उनको रहने की सुविधा भी जो है प्रोवाइड होगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का करियर सेक्शन है इस पर जो है आपको जाना है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है और लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो है आपको सबसे नीचे दिखेगा, और पूरा एड्रेस ये स्कूल जो है कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में ये है। तो इनके जो स्कूल हैं वो पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में हैं। रिलायंस जो है अपने आप में ही जो है बड़ा नाम है। सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल फॉर प्राइमरी स्कूल, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड के साथ में 10 से 12 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। जो हायर पोस्ट हैं तो उनमें अनुभव ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर कोई अनुभव नहीं, जैसे प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए कोई अनुभव नहीं है, ठीक है। TGT के लिए, PGT के लिए भी कोई अनुभव नहीं।
हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस फॉर मिडिल स्कूल के लिए इसमें 8 से 10 साल का अनुभव है। असिस्टेंट हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए जो कि प्री प्राइमरी स्कूल में, तो ये प्री प्राइमरी का आपके पास डिप्लोमा डिग्री, साथ में 5 से 7 साल का अनुभव, ठीक है। और ये अनुभव जो है आपका किसी भी स्कूल का रहा हो। असिस्टेंट हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस प्राइमरी स्कूल के लिए, तो प्राइमरी स्कूल के लिए बीएड वाले 5 से 7 साल के अनुभव के साथ में अप्लाई कर देंगे। जितनी हायर आपकी पोस्ट होगी उतनी ही सैलरी अच्छी होगी आपकी। प्री प्राइमरी टीचर्स में क्वालिफिकेशन आप देखें, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी ज़रूरी है और प्री प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा या डिग्री। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी जो है 12th नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट और साथ में बीएड। टेट या सी टेट जो है बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा है। टीजीटी के टीचर्स सभी विषयों में वैकेंसी है, चाहे प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई करें चाहे टीजीटी के लिए करें। तो इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ऑल सब्जेक्ट, इसमें बीएड चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में। उसके बाद रोबोटिक टीचर की वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, 2 से 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ग्रेजुएशन केवल मांगी जा रही है। एचआर मैनेजर का जो पद है उसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका एचआर में, इसमें जो है अनुभव चाहिए 5 से 7 साल का, 5, 6 या 7 साल का। आईटी एग्जीक्यूटिव में भी जो है 2 से 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से आपने किया हो। आईटी मैनेजर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट साथ में डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में, इसमें भी अनुभव चाहिए। सीनियर लाइब्रेरियन के लिए भी अनुभव चाहिए, लाइब्रेरी में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। काउंसलर के लिए कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट आपका साइकोलॉजी में और साथ में काउंसलिंग का डिप्लोमा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा काउंसलिंग साइकोलॉजी में। स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल एजुकेशन में आपका बीएड। एक्टिविटी टीचर में आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, तो इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी इन सब्जेक्ट में हो, ठीक है। तो ये पूरी वैकेंसी, और दोबारा से बता देती हूँ कि ये जो ईमेल एड्रेस है नीचे careers.kdarfs@rfs.edu.in, ठीक है। बहुत ध्यान से जो है फॉर्म भरना है आपको, फीस नहीं देनी है, आराम से जो है भरें। अब आप देखें ये जो नोटिफिकेशन है इसमें लास्ट डेट इन्होंने नहीं दी है, अंतिम डेट क्या है वो इसमें शो नहीं है। तो मेरा ये मानना है अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ आपको दिख गया है, क्वालिफिकेशन है, तो जल्द से जल्द जो है आप लोग अप्लाई कर दें, फीस तो नहीं है। लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जामनगर गुजरात में फ़िलहाल वैकेंसी है इनके, और जो स्कूल हैं वो अगर और भी राज्यों से वैकेंसी जैसे ही आती है तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल सटीक और सही होती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।